प्यारे विद्यार्थियों कल हमने आपको सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग का ओवरव्यू की बात की थी उसके अंतर्गत ओवरव्यू में तो आपको पता ही है कि जनरल चीज़ें बताई जाती हैं कि सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग क्या है और किस माने में एरियल रिमोट सेंसिंग से इसके अंदर क्या भिन्नता है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और क्या इसकी यूजेज हैं एक जनरल चीज़ें इसमें बताई गई हैं और सेटेलाइट में और प्लानिट में क्या अंतर है ये हमने आपको बताया था सेटलाइट मैन मेड होते हैं ह्यूमन बिल्ट होते हैं सेटेलाइट मशीनरी है और ये सेटेलाइट कभी कभी जो है नेचुरल सेटेलाइट नेचुरल प्लैनेट भी सेटेलाइट का काम करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था जैसे सूर्य है चंद्रमा है मंगल है बुध है बृहस्पति है शुक्र है शनि है ये जो चीज़ें हैं ये प्लानिट्स हैं बट ये कभी कभी प्लैनेट्स भी प्लैनेट्स के चारों ओर घूमते हैं जैसे आपको मैंने बताया था सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है और जब ये घूमने का काम करते हैं और रिवॉल्वन होता है ऑर्बिट लेते हैं तो उनको हम प्लानिट निकाल के सैटेलाइट का ही नाम दे देते हैं वैसे इन जनरल जो है प्लानिट्स जो हैं काफ़ी बड़े होते हैं सेटेलाइट के अपेक्षा काफ़ी बड़े होते हैं बड़े होने की वजह से इसमें ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज़्यादा होता है प्लेट सेटेलाइट की अपेक्षा और उसी ग्रेविटी के बेस पर इसके चारों से जो सेटेलाइट जाते हैं वो पुल करते हैं और अपनी ठीक कक्षा में घूमते रहते हैं और ये भी मैंने बताया था कि सेटेलाइट के अंदर दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं होती तो बहुत कुछ है पेलोड होता है सेंसर दुनिया भर की चीज़ें होती हैं लेकिन दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो आपको एंटीना है जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उसको रिकॉर्ड करके रिलीज करता है और दूसरा है आपका सोलर पावर पैनल पावर जिसको वहाँ पर कोई बिजली तो है ना स्पेस में यहाँ तो बिजली है आपके बिजली का आपने चार्ज किया काम चल पड़ा लेकिन वहाँ कोई बिजली नहीं है कुछ नहीं है तो सोलर पावर से आपका हीटअप होके आपको सोलर एनर्जी मिलती है सोलर एनर्जी से पूरा सेटेलाइट सिस्टम काम करता है ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये भी मैंने आपको बताया था और इसमें प्लैनेट्स में और सेटेलाइट्स में कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था और उनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं उसी के अनुसार उसकी हाइट तय की जाती है सेटेलाइट्स की और ऑब्जेक्टिव के अनुसार ही उनको कक्षा में प्रवेश कराया जाता है और ये भी बताया था सेटेलाइट किसको बोलेंगे प्लैनेट किसको बोलेंगे ये भी मैंने आपको पूरी बातें हुई थी कल ये जनरल चीज़ें मैंने कल बताई थी और अब जो है धीरे धीरे आपको एक स्पेसिफिक चीज़ें हम बताएंगे डिटेल में जाएंगे धीरे धीरे आज जैसे कल हमने प्लेटफॉर्म में सेटेलाइट बताया था जैसे हमने कल सेटेलाइट के बारे में बताया था तो आज जो है सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के बारे में उसी के थोड़ी सी डिटेल चर्चा करेंगे और सेंसर की चर्चा करेंगे सेंसर और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म की चर्चा करेंगे और उसमें टेबलर इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास काफ़ी कुछ है इसके बारे में और आपके पास भी अपने बुक में आप अगर देखेंगे और इंटरनेट खोलेंगे या जी पी एस ये क्या कहते हैं गूगल गुग, में जाएंगे तो काफ़ी आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मैंने अपने अनुभव के आधार पर इसमें डाल रखी है जो टेबलर इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रखी है उसको आपको उसमें सेंसर कौन सा है स्पाथ क्या है स्पेक्ट्रोजेशन क्या है क्या स्वाद है ये सब लिखा हुआ है तो इससे पहले आइए आज का टॉपिक शुरू करें प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म किसी भी डिवाइस कोई भी मशीनरी या कहीं पर भी आप काम करते हैं आपको भी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है स्टेज है कोई ड्रामा हो रहा है प्लेटफॉर्म बिना प्लेटफॉर्म के ड्रामा नहीं हो सकता है कोई भी आप एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है उसी तरह से आपको कैमरा और सेंसर की भी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि प्लेटफॉर्म इज स्टेज टू माउंट द कैमरा और सेंसर टू अक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट अंडर इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन द एल्टीट्यूड दे मे बारीक क्लासीफाइड अकॉर्डिंगली तो अब प्लेटफॉर्म जब स्टेज आपको चाहिए सेंसर के लिए कैमरा के लिए स्टेज चाहिए तो ये स्टेज कौन कौन सी हैं कहाँ कहाँ पर इनको कैसे डिवाइड करेंगे आप कैसे डिवाइड करेंगे डिस्टेंस के अनुसार और टेक्नोलॉजी के अनुसार डिवाइस के अनुसार आप कैसे इसको डिवाइड करेंगे तो इसको तीनों में डिवाइड किया गया है ग्राउंड बाउंड प्लेटफॉर्म ईयर बाउंड प्लेटफॉर्म और स्पेस बाउंड प्लेटफॉर्म अब ग्राउंड बॉन्ड प्लेटफॉर्म तो आपको पता ही है हम फोटोग्राफी जब लेते हैं या तो मकान की छत में खड़ा होकर आप फोटोग्राफी लेते हैं या किसी लेडर में खड़ा होकर फोटोग्राफी लेते हैं या किसी माउंट माउंट टेन के ऊपर या कहीं पर कहीं पर भी आप अपना आधार बना के फोटोग्राफी लेते हैं तो ये भी एक रिमोट सेंसिंग की डिवाइस है जब आप फोटोग्राफी लेते हैं तो आपको वहाँ पर भी स्टेज की जरूरत पड़ती है ग्राउंड आधारित जो स्टेज है उसको आप ग्राउंड बॉर्न प्लेटफॉर्म बोलेंगे उसी तरह से एयर एयरबर्न प्लेटफॉर्म है एयर एयरबर्न प्लेटफॉर्म आपको हॉलीकॉप्टर है स्पेस क्राफ्ट हैं अब एयरबर्न प्लेटफॉर्म अलग अलग के स्पेस क्राफ्ट लिए जाते हैं और वो प्लेटफॉर्म जो है डिपेंड करते हैं कि कैसे एरिया है आपका फोटोग्राफी के लिए पहाड़ी एरिया है मैदानी एरिया है या एंडोलेटिंग एरिया है सी एरिया है अल्टीट्यूड कम है कि ज़्यादा है ये सब देख के आपको जहाज को या आपको एयरक्राफ्ट को चूज करना है जैसे डकोटा है बहुत सी एयरक्राफ्ट है वो मैंने पिछले पहले सबसे पहले आपको मैंने बताया था कौन कौन सी एयरक्राफ्ट कैसे कैसे फोटोग्राफी लेते हैं तो अब ये भी डिपेंड करता है आपको आ, फोकल लेंथ एंड फ्लाइंग हाइट के ऊपर अब हर किसी के पास एडजस्ट किया जाता है फोकल लेंथ और फ्लाइट हाइट किसी में अगर उसमें किसी भी एयरक्राफ्ट में आप जब फोटोग्राफी लेते हैं तो उसको जब आपको कैमरा फिट करते हैं तो कैमरा में फोकल लेंथ और एयरक्राफ्ट की हाइट को कंसिडर किया जाता है फोक एफ अपॉन एच मैंने बताया था फोकल लेंथ अपॉन फ्लाइंग हाइट इज इक्वल टू तो स्केल तो फोकल लेंथ फ्लाइंग हाइट के अनुसार ही आपको स्केल तय होगा जैसे फोकल लेंथ एफ है और फ्लाइंग हाइट एच है और फ्लाइंग हाइट बहुत ज़्यादा है फोकल लेंथ वाइड एंगल कैमरा है तो आपको वेरी स्मॉल स्केल फोटोग्राफी आएगी अगर स्मॉल एंगल कैमरा है तो आपका लार्ज स्केल फोटोग्राफी आएगी लार्ज स्केल फोटोग्राफी में आप मैक्सिमम डिटेल आपको दिखेंगे लेकिन आपको ग्राउंड एरिया कम कवर होगा स्मॉल स्केल फोटोग्राफी में आपका ग्राउंड एरिया बड़ा कवर होगा तो ऑब्जेक्टिव की आपका क्या है उसी के अनुसार से आप प्लेटफॉर्म को डिसाइड करते हैं और उसी के अनुसार आप कैमरा को डिसाइड करते हैं फ्लाइंग आई एट फोकल लेंथ इसके अनुसार डिसाइड करेंगे आप एयर बॉर्न प्लेटफॉर्म में अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म अब अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म भी हम आपको कौन सा स्पैशलेशन का चल लेना है आपको कैसे कैसे डिटेल्स आपको पिक्चर लेनी है क्या आपका ऑब्जेक्टिव है और उस ऑब्जेक्टिव के अनुसार आपके कौन कौन से स्पेस स्पेस क्राफ्ट आप लेंगे स्पेस क्राफ्ट में आपको सबसे पहले मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इनसेट हमारा चला था एम एस एस लैंड सेट एम एस एस सिस्टम नासा ने लैंड सेट एम सिस्टम चलाया था नाइनटीन टू में पहला लैंड सेट एम एस एस गया था नाइनटीन टू में फिर उसके बाद सेवेंटी फाइव में गया फिर उसके बाद 78 एट में गया तीन गया इसमें आपका सेंसर थे एम एस एस आर बी वी रिटर्न बीम बेडिकोन मल्टी स्पेक्टर स्कैनर फिर उसके बाद टीएम थीमेटिक मेपर आया तो ये करीब तीन चार आपके प्लेटफॉर्म नासा के हमने यूज़ किए उसके फोटोग्राफी उसकी इमेज हमने ली थी नासा से खरीदी थी और हमने 1975 से लेके 1988 तक हमने फॉरन आधारित सेंटाइट पिक्चर्स में काम किया है 1988 एटी एट के बाद हमारे पास जो प्लेटफॉर्म आया अपना अपना ही प्लेटफॉर्म आया सबसे पहले हमारे पास था आई आर वन ए फिर उसके बाद आई आर वन बी फिर था उसके बाद आई आर वन सी फिर उसके बाद था आई आर वन डी तो ये करते करते हमने अपने काफ़ी सेटेलाइट छोड़े हमारे कम से कम अभी भी तीस चालीस सेटेलाइट इसमें दिशा में काम कर रहे हैं और हम नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और ये जो सेटेलाइट हैं इसमें सेटेलाइट भी में हमें ये तय कर लेते हैं कि स्पाशल रिजोशन क्या होगा स्पेक्ट्रल रिजोशन क्या होगा रिजोशन क्या होगा टेम्पोरल रिजोशन क्या होगा हमारे जो स्पाशल रिजोशन तय करते हैं रेडियोमेट्रिक रिजोशन तय करते हैं स्पेक्ट्रल रिजोशन तय करते हैं ये स्पेस अप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद करता है अहमदाबाद में ये काम होता है हमारा शायद आपने सुना भी होगा अहमदाबाद में स्पेस अप्लीकेशन सेंटर है और इसमें बहुत साइंटिस्ट काम करते हैं और वहाँ से तय होता है कि ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसमें कौन से हम सेंसर लगाना है इसमें क्या क्या पेलोड होंगे और उससे पहले एक ग्राउंड सर्वे करते हैं और ग्राउंड सर्वे में खैर मैं इसमें बाकी मैं आपको पिक्चर बताऊंगा बाद में अभी मैं आपको इसकी तस्वीरें नहीं बता पा रहा हूँ और मैं जनरल आपको चीज़ें बता रहा हूँ तो कल मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे दो सिस्टम है लैंड अर्थसोरसेज से, टेक्नोलॉजी सेटेलाइट लैंड सेट सिस्टम और इनसेट सिस्टम आयर इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट जो अर्थ सोर्सेज को अर्थ सोर्सेज टेक्नोलॉजी सेटेलाइट कहा जाता है इसमें आपके लो एटीट्यूड है एल्टीट्यूड इसका आपका लो एटीट्यूड में इसको आपको आठ सौ से नौ सौ किलोमीटर के बीच बीच का रहता है और इसको सनसिनकुनस बोलते हैं ये मैं आपको प, कल भी दिखाया था आज भी इसकी तस्वीर दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में और तो ये इसके अलावा जो स्टेशनरी सेटेलाइट ये इंसर्ट सिस्टम है इंसर्ट सिस्टम हमेशा कम्युनिकेशन के लिए यूज आता है और आपका मेट्रोलॉजिकल यूज आता है आपका जैसे बारिश कब का अनुमान लगाने के लिए बादलों के लिए टारनाडो ये सो सब इसमें इंसर्ट सिस्टम से आपको पता लगता है और इंसर्ट सिस्टम जो है जो स्टेशनरी सिस्टम है और ये वन थर्ड ऑफ द ग्लोब को कवर करता है और कंटिन्यूसली आपको डेटा देता है मतलब यह है इसका रिजोल्यूशन बहुत हाई है इन इन टू टू अर्थ अर्थसोषित सेटेलाइट का जो रिमोट सेंसिंग अर्थ अर्थसोषित इस कम्पजन इसका बहुत हाई है और जो जोशेसनी का कवरेज जो है इसमें सेवन हंड्रेड नॉर्थ से लेकिन सेवन हंड्रेड साउथ तक रहता है वन थर्ड ऑफ द ग्लोब कवर करता है और इसमें की एग्जाम्पल है जोश जोश इन्वायरमेंटल सैटेलाइट, ग्लोबल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट, मेट्रोलॉजिकल सेटेलाइट इंटेल सेट सिस्टम इंटर सेट सिस्टम इंटरनेट से कनेक्शन है इसका और पूरा इंटरनेट इसी थ्रू चलता है और इनसेट सिस्टम जो है वेदर से रिलेटेड है और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है इनसेट के थ्रू चलते हैं इंटर सेट में आपको पूरा कम्युनिकेशन है और कम जैसे आपका यहाँ से आप टेलीफोन करते हैं या टीवी देखते हैं जो भी है इंटरसेट के थ्रू देखते हैं तो इसी को आप हिंदी में समझ सकते हैं जो स्टेशन को हम भूस्थिर बोलते हैं एक भूमध्य एक ही पश्चिम से पूरा ऊपर उपग्रह पैंतीस हज़ार किलोमीटर ऊंचाई पृथ्वी चौबीस घंटे के एक चक्कर काटता है पृथ्वी के साथ तुल्यात्मक चंद्र वो बोलते हैं संत सिंह को नश और ये आपका जो सेट लें सेट है और ये आपके दोनों चित्र हैं ये पहला वाला है जो स्टेशनरी जो कि वन थर्ड ऑफ द ग्लोड को कवर करता है और आप देख रहे हैं इसमें पृथ्वी वैसे इसको घूम रही है और ये जो सेटेलाइट हमारा इंसेट सिस्टम है ये भी उसी के स्पीड के तुलनात्मक में उसके एक ही एरिया को कवर करते हुए ये भी घूमता है पृथ्वी के साथ साथ इसीलिए इसको पृथ्वी का सिंक्नर्स बोला जाता है अर्थ सिंकुनस बोला जाता है जिस जहाँ एक ही जगह का लेता है कंटिन्यूस पिक्चर एक ही जगह जगह देता है वन थर्ड ऑफ द ग्लो और दूसरा सिस्टम जो है आपका पोलर ऑर्बिटिंग सेटेलाइट या सन सिंकोनर्स बोलते हैं इसका जैसे अरो लगा रखा है ये भी वेस्ट से ईस्ट को जाता है और हमारा सेटेलाइट जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है जब तक तो सेटेलाइट नॉर्थ से साउथ की तरफ को आता है तब तक पृथ्वी करीब सत्ताईस सौ कुछ मीटर आगे घूम जाती है और हर बार ये नए एरिया को ले लेता है उसमें तो सब्सिक्वेंटली पूरा कवर कवरेज आ जाता है 103 मिनट में पूरा कर लेता है अपना कवरेज को ये वैसे डिपेंड करता है अलग अलग सेटेलाइट में एम एस सिस्टम 130 मिनट तीन मिनट लेता है ये डिपेंड करता है ये फिगर आपने और जगह भी देखी आपको इंटरनेट में भी देख सकते हैं और डिटेल इसकी जानकारी लेनी है तो आप बुक से आप पढ़ सकते हैं ये इसमें है अन अर्थ सेटेलाइट ऑर्बिट इन विच द ऑर्बिटल प्लेन इज पोलर एंड द अल्टीट्यूड इज सच दैट द सेटेलाइट ओवर ऑल प्लेस अर्थ हैविंग द सेम एटीट्यूड ईच ऑर्बिट एट द सेम लोकल सन टाइम वही अल्टीट्यूड में आपको लोकल सन टाइम वही मिलेगा जब भी आपका सेटेलाइट जैसे इंडिया में जो सेटेलाइट आ रहा है हमारा अपना सिस्टम आता है साढ़े दस बजे आता है सुबह दस साढ़े दस बजे आता है उससे पहले हमारा सिस्टम में साढ़े नौ बजे आता था साढ़े नौ बजे के बाद हमने उसको चेंज कराया क्योंकि हमारे का माउंटेन्स में शेडो आता था इधर उधर तो शेडो को बचने के लिए हमने उसका सिस्टम तो चेंज करा तो साढ़े बजे का उसमें करा है ये डिपेंड करता है आपको कैसे चेंज करना है ये आपका सब कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं चीज़ें आप इनको चेंज करा सकते हैं द अप्रेंड मोवमेंट ऑफ अर्थ फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट अलाउ सेटेलाइट फॉर टू कवर न्यू एरिया विद हीच पास हर पास में आपको न्यू एरिया मिलेगा नेम्ड है लैंड सेट सरी इसको इसके एग्जाम्पल है स्पॉट जो फ्रेंच सेटेलाइट है स्पॉट आयर एस स्पीच है हमारा अपना सेटेलाइट सी सेट है टिरोस है एस एम सी एस है स्काई लैब है स्पेस शटल ये सब आपको आपको सन सिंक्रोन है मतलब यह है, है कि आपको पैसिव सिस्टम है ये पैसिव सिस्टम मतलब नेचुरल लाइट ये हमेशा इनको मिलेगी जहाँ जहाँ विजिट करेंगे पूरा हर बार इनको नेचुरल लाइट मिलेगी ऐसे सिंक्रोनाइज़ इनको किया जाता है सिंक्रोनाइज मतलब सूरज की रोशनी के साथ सिंक्रोनाइज इनको किया जाता है इसलिए कहा था सन सिंकोनस से तो इनकी स्पीड और पृथ्वी की स्पीड इसलिए सिंक्रोनाइज होती है कि हर जगह इनको आपको लाइट दिखेगी अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का है रिमोट सेंसिंग सेंसर सेंसर आप सेंसर का आप फोटोग्राफी को ही सेंसर बोल सकते हैं इसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में डिजिटल सिस्टम में फोटोग्राफी को हम सेंसर बोलते हैं सेंसर का स्पेसिफिकली इसलिए यूज़ हो रहा है कि हम सेंस करते एनर्जी को वी आर सेंसिंग द एनर्जी फ्रॉम द रिमोट डिवाइस सेंसर सेंस द एनर्जी फ्रॉम द रिमोट डिवाइस और एनर्जी कैसे सेंस कर अब एनर्जी कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है हीट एनर्जी है आपको हीट एनर्जी भी सेंस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी दे माइक्रोवेव एनर्जी भी सेंसो होता है रेडियो वेव एनर्जी भी सेंसो होता है तो सेंसिंग फ्रॉम द रिमोट एरिया सेंसर आज सेंसर एक डिवाइस है और ये जो है एनर्जी को गैदर करके कलेक्ट करके कन्वर्ट इंटू द सिग्नल इसको सिग्नल में कन्वर्ट करता है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैगनेटिंग आर कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स electrical signals and represent the form suitable for the obtaining information about the target under investigation ab isme kya hai jo signal hai aapko sensor gather karke energy ko electromagnetic energy ko gather karke us signal mein convert kaun karta hai detector ke through अलग अलग detectors में आपको ए, हर बैंड का एक डिटेक्टर होता है हर बैंड में चार किसी में चार चार detector लगे रहते हैं तो वो डिटेक्टर उसको आपको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज में और फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पलसेज दो इलेक्ट्रिकल इम्पलसेज आर करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी वेलीबिटी ऑफ द ग्राउंड व्हाट अवर द एनर्जी वेलीबिटी ऑन द ग्राउंड सर पे और व्हाट बर द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेंस व्हाट अवर द इंटेंसिटी द इमिटेंस नॉट रिफ्लेक्टेंस इमिटेंस ऑल्सो इज अ डिफरेंस बिटवीन इमिटेंस एंड रिफ्लेक्टेंस वैन इमिटेंस टेक्स प्लेस वैन the energy, sun energy, sun light or electromagnetic energy is absorbed by the object. and again, after absorption, it emits the light. it emits the light. it radiates. it is radiation. this is called radiation. those radiations are also going to space and reflectance also going to both are being captured by the sensor and converted to electrical impulses. and it is used as a information. Is information? How information? While while deriving the information, extracting the information, we are going to analyze those signals. How the signals are analyzed? That will be also taken into account. In the next chapter, I will take into account all those things. Remote sensor can be categorized into two: microwave passive and active sensors. Microwave sensors. पैसिंसर रिसीव सोलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस एनर्जी इमिटेड बाई द सर्फे एक्टिव सेंसर यूज दर ओन सोर्स ऑफ एनर्जी मैंने कल भी ये बता दिया था और आज ये दोबारा आपके पास आ गया है क्योंकि डिटेल में आप इसके बारे में और कुछ जानकारी ले सकें तो एक्टिव सेंसर पैसिव सेंसर पैसिव सेंसर तो ऑलरेडी लाइट है नेचुरल लाइट है लाइट विद्यमान है उस विद्यमान लाइट से ही आप इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं एक्टिव सेंसर जो है अब जैसे टॉर्च है आपके पास टॉर्च क्या कहेंगे पैसे बोलेंगे एक्टिव बोलेंगे टॉर्च लाइट जो है एक्टिव सेंसर है ये लाइट बीम है अगर आप किसी ऑब्जेक्ट लाइट लगाएंगे वो रिफ्लेक्ट करेगा वो एक्टिव सेंसर है अब जैसे हमारा रेडार है जब हमारा वर्ल्ड वार सेकेंड की बात है जर्मनी फ्रांस ने इन्होंने ये रेडार विकसित किए थे इसके बारे में मैंने रेडार की हिस्ट्री भी आपको पहले पहले बताई है तो रेडार विकसित करने के लिए हमारे माइक्रोवेव एनर्जी रेडियो वेव्स का यूज किया गया था और उसमें रात दिन जैसे बादल हो गर्मी हो बरसात हो दिन हो रात हो आप अपनी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कराते थे सन बीम लाइट बीम को आप ग्राउंड में डालते थे और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आती थी और एयरक्राफ्ट दुश्मन का जहाज़ कहाँ पर है वो आप उसमें उसको पहचान जाते थे तो का जहाँ इतनी दूरी पर है कितनी डिस्टेंस पर है वह भी पता लग जाता कि वहाँ से आपको जब लाइट उसको एक्सपोज करते थे उसमें किसी ऑब्जेक्ट को जब वापसी में जब लाइट आती थी दोनों का डिस्टेंस कितना डिफरेंस है वो आप नोट कर लेते थे उसमें आपको लाइट की स्पीड का पता है आपको और आप उससे डिस्टेंस का पता कर लेते थे कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट भी आप पता कर लेते हैं तो पैसिव पैसि एक्टिव सेंसर और हमारा जो अर्थ सोशल से टेक्नोलॉजी सेटलाइट है ये मोस्टली पैसिव सेंसर यूज कर रहे हैं इसमें एक्टिव सेंसर किसमें नहीं है अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन ही सबसे बड़ी चीज है आपके रिमोट सेंसिंग क्योंकि रिजोल्यूशन अगर पोअर है आपको कोई भी चीज़ पहचानने में प्रॉब्लम आएगा रिजोल्यूशन अच्छा है तो हर किसी चीज को आप पहचान सकते हैं रिजोल्यूशन डिपेंड करता है आपका स्पेशल जोशन जैसे पंडित इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू आई एफ ओ बी इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू इज नथिंग बट द एंगल बाय द ग्राउंड एलिमेंट टू द सेंसर सिस्टम वेरी मिनिएचर होल इज दियर लाइट बीम इज देयर मिनिएचर लाइट बीम इज देयर इट इज अबाउट फाइव टू टेन डिग्री एंड दैट बीम इज सबटेंडेड एंगल द एंगल इज एंड इट टेक्स द वन ग्राउंड वट व ग्राउंड कवर्ड बाय दैट बीम इट इज ए पिक्सल एलिमेंट ग्राउंड एलिमेंट और ये आपको स्कैन करके आपको स्पाशल रिजोल्यूशन में कर, बताता है वही आपको इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू और हाइट ऑफ द स्पेस क्राफ्ट हाइट ऑफ द सेटेलाइट दोनों का बड़ा मेजर रोल है इसमें रिजोल्यूशन में अब आपका मान जाए रिजोल्यूशन है दस मीटर दस मीटर रिजोलूशन का मतलब आ दस मीटर से ऊपर की चीज़ आप देख पाएंगे नीचे की चीज़ आप नहीं देख पाएंगे आपके घर में कोई लॉन है दस मीटर बाय दस मीटर का लॉन है और आपका रिजोल्यूशन दस मीटर से ऊपर है या दस मीटर है तो दस मीटर तो देख लेंगे लेकिन लॉन के अंदर जो चीज़ पड़ी है कोई चीज़ पड़ी है वो नहीं देख पाएंगे अब दस के बदले नीचे आप आ जाए रिजॉर्लेशन में पाँच मीटर का रिजोल्यूशन है <coughs> पाँच फाइव मीटर बाय फाइव मीटर कोई भी चीज़ आपको दिखाई देगी एक मीटर का रिजोल्यूशन है एक मीटर बाय एक मीटर का चीज़ आपको दिखाई देगी तो रिजोल्यूशन पार्सअल रिजोल्यूशन बहुत बड़ी काम की चीज़ है सेटर रिमोट सेंसिंग में और बेटर रिजोल्यूशन होगा तो आपको सभी चीज़ें दिखाई देने में कोई परेशानी नहीं है और डिपेंड करता है आपको करना क्या है जैसे आपने खेती है अमेरिका ने सबसे पहले लैंड सेट एम जब निकाला था थर्टी मीटर का रिजॉर्वेशन निकाला उसमें परेल एम एस सिस्टम से था सेवेंटी नाइन मीटर का रिजॉल्यूशन निकाला तो बाद में इन्होंने देखा कि उनके एग्रीकल्चर फील्ड जो है तीस मीटर से तीस मीटर बाद तीस मीटर से ऊपर के हैं तो अपने एग्रीकल्चर फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने जो है तीस मीटर का रिजॉल्यूशन रखा ताकि वह अपने एग्रीकल्चर फील्ड को डिफ्रेंशिएट कर सकें तो इसी तरह से हमारा भी ऑब्जेक्टिव हमारे आई में भी इंडियन रिमोट सेटलाइड में हमने अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार इसमें स्वास्थ्य रिजॉर्युशन को तय किया है हमारा आई आर का स्पेशल रिजोल्यूशन था आपका पहले तो आई आर एस वन ए का था सेवेंटी टू मीटर वन बी का थर्टी टू पॉइंट फाइव मीटर थर्टी सिक्स फाइव पॉइंट फाइव मीटर और वन डी का आपको वन सी का आपको तेईस पॉइंट पाँच मीटर रिजोल्यूशन तो ये जो रखे गए हमने भी हमारे साइंटिस्ट ग्राउंड में जाके हम अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमें क्या चीज़ को देखना है क्या चीज़ नहीं देखना है और क्या इस चीज़ को देखने से हमें कितना फ़ायदा होगा और ये रिजोल्यूशन रखना है अगर हम माने जाए पोर रिजोल्यूशन रखते हैं सौ मीटर का रिजोल्यूशन रख दिया और उससे रिजोल्यूशन कोई फायदा नहीं अगर हमें माने जाए अपनी खेती देखनी है अगर आपका अर्बन एरिया को देखना है उससे कोई फायदा हमें नहीं होगा तो अपना आपका अपना ऑब्जेक्टिव पहले तय करना है आपका ऑब्जेक्टिव है क्या वैसे लीनियर फीचर आपको हर किसी रिजोल्यूशन पता लग जाता है क्योंकि यार लीनियर फीचर आपको डेलीनेट नहीं कर सकते आप लीनियर बहुत छोटे होते डेलीनेट नहीं कर सकते लेकिन अगर कंट्रास्ट तगड़ा है लीनियर फीचर और सराउंडिंग एरिया में तो आपको पोअर रिजोल्यूशन में भी लीनियर फीचर दिखाई देते हैं तो अब इसके स्पाशल रिजोल्यूशन के अलावा आपका रेडियो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन है स्पेक्ट आपने स्पाइसली किसी चीज़ को पहचान लिया ये माने लॉन है अब लॉन में क्या अंदर जो स्पेक्ट्रल जो पैरामीटर है अगर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन आपको इस दिट्स ऑफ द बैंड नैरोनेस ऑफ द बैंड अब जैसे हमारा रिमोट सेंसिंग सिस्टम पॉइंट फोर टू पॉइंट फाइव ब्लू के लिए है ब्लू लाइट के लिए पॉइंट फाइव टू पॉइंट सिक्स जो है रेड <coughs> लाइट के लिए है पॉइंट सिक्स टू पॉइंट सेवन आपके ग्रीन लाइट के लिए है पॉइंट सेवन टू अब अब जो है आपका अप टू तो थ्री है टू तो इंफ्रारेड के लिए है तो ये अगर इनमें आप नरोस लाएँगे आप माने जाए इसको चेंज करेंगे ये तो सटेनली हमने एक एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च करके ये चीज़ रखी और यूएसए ने भी रखी नासा ने रखी सब ने ये रखा है कि स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रल्जोशन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ दिखाई दे दी हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अब स्पार्शल जोशन स्पेक्ट्रलोर्सन का आपको तो क्लियर पता हो जाना है कि स्पार्शल एजोरे तो ये है कि आपको वो फीचर दिखाई देना चाहिए लेकिन स्पेक्ट्रल एजोशन का मतलब है कि स्पेक्ट्रल जो फीचर का डिस्टिंग्विश करना है क्या है उसके अंदर वो है क्या चीज़ उसमें क्लैरिटी कितनी है अगर उसमें आपको नैरोनेस बैंड आएगा बैंड की अगर विथ्स कम करेंगे तो आपको और क्लैरिटी नजर आएगी तो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन इसको कहते हैं द बैंड इट इज नथिंग बट द विथ ऑफ द स्पेक्ट्रल बैंड अब है आपका रेडियोमेटिक रिजोल्यूशन रेडियोमेटर रिजोल्यूशन नथिंग बट द कैपेबिलिटी ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू डिस्टिंग्विश द नंबर ऑफ फीचर विद इन द फीचर्स अब ये देखना है कि कौन कितना बिट डेटा आपका चाहिए कोई आपका सेंसर रहता है एच बिट डेटा है एच बिट डेटा का मतलब टू रेस्ट पावर एट दो गुना दो गुना दो गुना दो टू फिफ्टी सिक्स हो जाता है तो आप किसी पर्टिकुलर बैंड में टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स ग्रे टोन्स दे सकते हैं मतलब या पेड़ है पेड़ में अगर कोई अगर स्पाशल रिजोल्यूशन हाई मान लीजिए आपका दो मीटर का स्पाशल रिजोल्यूशन है पेड़ आपने पहचान लिया या कोई भी फीचर पहचान लिया उसके अंदर कोई चीज़ अगर ऐसी बैठी है या उस पर पत्ता सूखा है या टहनी सूखी है तो उसको अलग करने के लिए उसको कितने आपको सेट्स दिखाई दे रहे हैं उसमें यह आपको उसमें पता लग जाता है उससे रेडियोमेटिक द कैपेबिलिटी टू डिस्टिंग्विज द फीचर द माइन्यूटनेस ऑफ द फीचर विद इन द फीचर तो ये है रेडियोमेटिक रिजोर्शन और टेम्पोरल रिजोर्शन जो है द रिपीटिव साइकिल रिपीटिक साइकिल हाउ मेनी टाइम्स ए पर्टिकुलर एरिया इज बी रिपीटेड बाय दी सिस्टम तो आपको चेंज देख सकते हैं उसमें जैसे मान लिया आग लगी है जंगल में आग लगी है, या खेती में आग लगी है सुबह आग लगी सुबह आग लगी और उसको मान लिया आपका अठारह दिन बाद वो सेटेलाइट आ रहा है अठारह दिन बाद वो सेटेलाइट कितनी आग लग गई या आग बुझ गई या आग कहाँ पहुँच गई आपको दिख जाएगा लेकिन हमारे पास एक सिस्टम ऐसा है नोवा सेटा है नेशनल ओशनिंग एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये है नासा का इसमें आपको वो भले ही स्पाइसअल बहुत पोअर है 1.4 किलोमीटर स्पाइस रिजोल्यूशन है लेकिन लेकिन उसको जो रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन टेन बिट डेटा है टेन बिट डेटा बहुत हाई है उसमें हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टिंगित हो जाती हैं और टेम्पोरली जर्सन भी उसका आया है एक दिन में दो दफ़े वो चक्कर मारता है पृथ्वी के तो अब स्पेशली आजकल कितना है लेकिन पहले ये दो दफ़े हम उसको आग जो आग लगी होती फायर जहाँ जहाँ लगी होती हम देख रखते थे कहाँ कहाँ पर फायर स्टार्स हैं अब आपने सुना होगा नोआ डेटा के थ्रू हम फायर स्टार्स विद इन द फॉरेस्ट विद इन द एग्रीकल्चर कहीं पर भी आप आग लगी हुई उसकी निशानी निकाल सकते हैं अब ये आपके सेटेलाइट है प्लेटफॉर्म है लैंड सेट वन ये सेटेलाइट प्लेटफॉर्म एक ही बात है प्लेटफॉर्म जिसमें आपको पूरा पेलोड जाता है सेंसर जाता है वो सैटेलाइट का नाम है जैसे लैंड सेट वन ये नाइनटीन में छोड़ा गया था नासा से और इसको अर्थ सोशल टेक्नोलॉजी सेटेलाइट भी कहा जाता है ई आर टी एस वन अर्थ सोशल टेक्नोलॉजी सेटेलाइट ये नासा ने छोड़ा था 1972 में और ये ख़त्म हो गया था जनवरी सेवेंटी एट में और इसमें हम आरबीबी आर बी बी सेंसर थे और स्पार्सल जोन सेवेंटी फोर मीटर था स्पेक्ट्रल जोन फोर बैंड थे इसमें लैंड सेट टू एसोल टेक्नोलॉजी ये सेवेंटी फाइव में छोड़ा गया था और इसमें भी आप देख सकते हैं क्या स्पाशल क्या स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रलोशन था और ये जो स्पाशल स्पेक्ट्रल इजोशन जितने भी आपको देखे हैं ये किसी एक्सपेरिमेंटेड बेस पर बनाए गए ये डिटर्मेंट दे हैव बीन है स्पाशल तो मैंने बताया आई एफ ओ बी और स्पेस क्राफ्ट आई के ऊपर डिपेंड करता है उसी तरह से स्पेक्ट्रल रिजोलूशन और रेडियोमेटिक रिजोलशन आपको सेंसर सिस्टम को ही डिजाइन करके तैयार किया जाता है लेंथ सेट वन टू थ्री फोर लेंथ सेट फाइव ये एटी फोर में छोड़ा है और इसमें थीमेटिक पेपर है इसका जो स्पार्शल रिजोपन है दो तरह के है एक तो थर्टी मीटर भी है और एक सेवेंटी नाइन मीटर भी है इसका अब वेब लेंथ देखिए आप इसकी लेंथ सेट फोर फाइव की बैंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सात बैंड है ये सात बैंड में इसमें एक बैंड ऐसा है जो थर्मल बैंड है जो थर्मल हीट को सेंस कर लेता है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अलावा जो जो थर्मल जो जैसे माना जाए जंगल है कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है उसी जंगल में अगर मान लीजिए हाउसिंग है या एग्री आपका बिल्डिंग आ रखी है तो वहाँ पर आपका जो थर्मल जो है थर्मल बैंड है ये चेंज करा देगा और बैंड नहीं दिखाएंगे लेकिन थर्मल बैंड इसको दिखा देगा हीट सेंट करता है दिखा दे और आपका बैंड चुन ये आपका जियोलॉजिकल फीचर uh, को देखने के लिए है जोलॉजिकल फीचर और इनका थर्मल uh, बैंड का स्पेशल रिजोलेशन अलग है एक सौ मीटर और इसका और उनका 30 मीटर है रिजोलेशन ये फॉरन सेटेलाइट की वेब बे, बैंड की बात कर रहा हूँ अब आपका आपको याद हो शायद आपने जर्नल नॉलेज में पढ़ा होगा हमारा जो पहला सेटेलाइट है आर्यभट्ट आर्यभट्ट वैज्ञानिक थे हमारा पहला सेटेलाइट गया था इंडियन सेटेलाइट किया था टेक्नोलॉजी सेटेलाइट अब आपको शायद ये भी पता होगा इंटरनेशनली पहला सेटलाइट किसने छोड़ा था इंटरनेशनल के के इसमें मतलब किसने पहला सेटेलाइट छोड़ा था वो है रशिया रशिया ने स्पुतनिक 1957 में स्पुतनिक छोड़ा था और उसके बाद एक साल बाद फिर अमेरिका ने छोड़ा एक्सप्लोर ये सेटलाइट छोड़े थे आर्टिफिशियल सेटलाइट छोड़े थे और हमारा जो सेटलाइट गया पहला आर्यभट्ट जो नाइनटीन सेवेंटी फाइव में गया फिर एक्सपेरिमेंटल सेटलाइट हमारे भास्करा सेवेंटी नाइन में हमने डाला भास्कला टूर एट्टी वन में डाला हरियाणा पैसेंजर पेलोड वे के लिए हमने एट्टी वन में डाला ये हमारे ये हमारे इंडियन सेटेलाइट हैं ये ये ऑपरेशनल नहीं थे ये एक्सपेरिमेंट सेटेलाइट है रोहिणी टेक्नोलॉजी के अंदर भी किए हमारे रोहिणी टेक्नोलॉजी में तीन चार सेटेलट हमने डाले हैं ये भी एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट हैं और आपके ये धोनी में बहुत से सेटलाइट हमने डाले हैं आपके इंडियन नेशनल सेटाइट इंसेट इंसेट सिस्टम वन एटी टू में ये हमने 1982 में इंसेट सिस्टम तो डाला लेकिन हमारा लॉन्चिंग जो पैड था जो रॉकेट था वो हमारा अपना नहीं था इसमें ये इसमें फॉरेन लॉन्चर थे वो फॉरेन रॉकेट था उसके थ्रू हमने डाला और ये वही इंसेट सिस्टम में जो स्टेशनरी जो मैंने आपने कहा आपसे कहा था इंसेट वन है ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए ये हमने 82 में ये छोड़ा था इंसेट वन ए फिर 83 में हमने वन सेट बी और वन सी छोड़ा हमने 1988 ये भी हमने फॉरेन सेटेलाइट से छोड़ा था नाइन्टीन में भी फ़ॉरन से दे, दे, लॉन्च व्हीकल से छोड़ा गया था अब आपको ये पता होना चाहिए इंसेट सिस्टम क्या है लैंड सेट सिस्टम क्या है रिमोट सेंसिंग रिसोर्सेज के लिए अलग है और वेदर मेट्रोलॉजिकल अलग है इंसेट टू ई मल्टी कमीशन मेट्रॉजिकल सेटेलाइट है लॉन्च बाय अरियाने पे व्हीकल तो है ये भी फॉरन सेटेलाइट से छोड़ा गया था इनसेट थ्री बी ये भी केव बैंड था इसमें यह भी फॉरन सेटेलाइट से छोड़ा गया था इनसेट थ्री सी इन्सेट थ्री थ्री बी भी हमने फॉरन लॉन्चर से था इंसेट थ्री बी इज द फर्स्ट ऑफ द फाइव सेटलाइट दैट वॉज लॉन्च इन द इसेट थ्री सीरीज हरियाणा से भी इसको छोड़ा गया था हरियाणा पे रोड पैसेंजर से फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था इसको इंसेट थ्री सी ये दो हज़ार दो में से ट्रांसपोर्टर थे सी ट्रांसपोर्टर थे और इसमें एम मोबाइल सेटेलाइट सर्विस भी इसमें थी कल्पना चावला ये भी आपने मेट्रेस भी नाम सुना होगा अब पी एस एल बी से इसको छोड़ा था हमने श्री हरिकोटा सेंटर से पी एस एल बी से छोड़ा था इंसेट थ्री थ्री ए का और ये भी हमने फॉरन सेटेलाइट से हमारे पास जी एस एल बी जी एस एल बी इसमें अभी भी काम नहीं आया है और इसी के अनुसार हमने पहले अब जो इंसेर्ट हुए अब हमने अपने सेटेलाइट छोड़ने शुरू करे इंडियन रिमोट सेटेलाइट आर एस पी टू ये हमने नाइनटीन नाइन्टी uh, फोर में छोड़ा था लॉन्च बाय सेकेंड डेवलपमेंटल फ्लाइट पैसेंजर पेरोड व्हीकल इंडियन रिमोट सेंस सेटेलाइट वन सी हमने छोड़ा था नाइन्टीन नाइन्टी फाइव में ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटेलाइट है इसमें हमने काफ़ी काम किया पूरा ऑल ओवर इंडिया का इसमें हमने मैपिंग किया था बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसके अंदर हुए थे आई आर एस वन सी डेटा आई आर एस वन सी का जो स्पाशल रिजोल्यूशन था ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव मीटर स्थापित जोशन था और जो जोसम इसका एच बी डेटा था और इसी इस सेटेलाइट के ये वन सी डेटा और वन डी डेटा वन सी और वन डी डेटा हमने मैंने इसको डेट के अनुसार से लिया हुआ किस डेट को कौन सा सब्सिक्वेंट डेट के अनुसार दिया हुआ है इंडियन सेटेलाइट पी थ्री ये कैरीज रिमोट सेंसिंग पेलोड एंड एक्सरे एस्ट्रोनॉमी पेलोड लॉन्च बाय थर्ड डेवलपमेंटल फ्लाइट ऑफ पी एस एल इंसेट थ्री अब इसके बाद इंसेट थ्री आ गया सितंबर 2003 में और आर एस वन डी हमने छोड़ा है ये भी आर एस वन सी के ही है इसमें थोड़े से और इम्प्रूवमेंट करके हमने छोड़ा है और इसमें हम, और पिक्चरें हमें बहुत क्लैरिटी आई है पिक्चरों में सेम एज आई आर एस वन सी लॉन्च बाय द इंडियन पी एस एल सर्विस पी एस एल सर्विस से लॉन्च हुई है फिर पी फोर भी Uh, हमने और इम्प्रूवमेंट होता रहा हमने स्पार्सल रिजोल्यूशन इंप्रूव किया स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन इंप्रूव किया रेडियोमेटिक रिजोल्यूशन इम्प्रूव किया ये इंप्रूवमेंट करते करते सबसिक्वेंटली हम नए नए सेटेलाइट छोड़ते आए हैं डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के लिए और डिफरेंट पर्पज के लिए हमने ये सेटेलाइट अलग अलग समय पर छोड़ते रहा है हम और इसका आपको रिसोर्स सेट वन ये आपका रिसोर्स सेट वन इसमें आपका आई आर एस पी सिक्सटी जिसको कहते हैं द मोस्ट एडवांस रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट बिल्ट बाय इसरो कंटेनिंग लिस्ट फोर कैमरा और विप्स सेंसर इसमें आपको फाइव पॉइंट एट मिनट रिजोल्यूशन आपको मिला और हाई रिजोल्यूशन वाला डेटा था इसमें और हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन था रहा, तो इसमें और हमें कामयाबी मिली है इसरो सेट में इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट आई आर एस पी फाइव एज कटिंग टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ द सेंसर सिस्टम एंड प्रोवाइडिंग स्टेट ऑफ आर्ट कैपेबिलिटीज फॉर कार्टोग्राफिक एप्लीकेशन विथ पेन कैमरा इसमें हमने पेन पेन डेटा और दोनों को आर डेटा को मिला के एफ सी सी डेटा को मिला के इसमें और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल काम हुए हैं अच्छा, और अच्छे काम हुए हैं इसमें और इसका स्वाद जो था ट्वेंटी फाइव मीटर का स्वाद था और इसमें छोटे छोटे एरिया ले हमने और डिटेल काम किया हुआ है इंडियन रिमोट सेटाइट आर एस पी सेवन ए सेवेंटी में एक्वायर्ड मोर प्रोसीजन इन कार्टोग्राफिक अप्लीकेशन ये कार्टोग्राफिकेशन इसका जो जो बहुत हाई स्पेशल रिजलेशन था इसका ये एक मीटर दो मीटर पहले दो मीटर था फिर एक मीटर रिजोल्यूशन में हम आ गए और छोटी छोटी चीज़ों को का हमने कार्टोग्राफी लिए ये बहुत ही सक्सेस हुआ है इंडियन रिमोट साइंस सेटेलाइट ए ये 1988 में ये थोड़ा सा डेट ऊपर नीचे हो गई है 88 में छोड़ा था वन बी नाइन्टी में छोड़ा था वन ई नाइन्टी में छोड़ा था ये मैं आपको ओवरऑल पहले ब्रीफली बता चुका हूँ ओके थैंक यू